नमस्कार दोस्तों, आज हम मड़ियाव नगर के एक प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर का दर्शन करेंगे जो इस पूरे क्षेत्र में काफ़ी चर्चा रहती है। इस स्थान की जिन्हें जासा बाबा कहा जाता है, यह मुख्य गेट इस गांव का नाम है जोगापुर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, आपको अगल बगल का दृश्य हरियाली दिखाते हुए। यह मंदिर मड़ियाव नगर के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यह पवित्र स्थान नगर के जोगापुर गांव में स्थित है। यहां का दृश्य देख सकते हैं, काफ़ी मनमोहक और हरियाली है जो आंखों को बड़ा सुकून पहुंचाती है। हरियाली दोस्तों, यहां पर हर मंगलवार को मेला लगता है जिसमें नगर के कोने कोने से लोग दर्शन करने के लिए यहां आते हैं, रहते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते रहते हैं। यहाँ का दृश्य भी काफ़ी मनमोहक है और काफ़ी शांत माहौल है यहाँ का। यह जो बगल में स्कूल है, जो मड़ियाव का काफ़ी प्रसिद्ध स्कूल है, चिल्ड्रन गाइड इंटर कॉलेज है। यहाँ पे CBSE पैटर्न की भी पढ़ाई होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से। कॉलेज का दृश्य है, जो काफ़ी अच्छा स्कूल है मड़ियाव का, चिल्ड्रन गाइड स्कूल बगल में। दोस्तों, यह एक ऐसे देवता है जो सभी डीहों में, जो एक डी बाबा बोले जाते हैं, गांव में रहते हैं, उनमें श्रेष्ठ माने जाते हैं। एक तरह से यह पूरे क्षेत्र के मुखिया होते हैं। तो पहुंच गए हम लगभग मंदिर के पास। यह है जासा बाबा का मंदिर। दोस्तों, यहां गांव के लोग कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले जासा बाबा की पूजा अर्चना जरूर करते हैं। यह है जासा बाबा का मंदिर। यहाँ पे पीपल का वृक्ष है और प्रधान की तरफ से एक धर्मशाला की तरह बनाया गया है। और यहाँ पे हर मंगलवार को मेला लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग लोग जो यहाँ के गांव के हैं, यहाँ पे अपना समय सुबह शाम बैठते हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं। दोस्तों, जासा बाबा के विषय में ये भी कहा जाता है कि यह मूर्ति काफ़ी प्राचीन है। यहाँ कब से इनकी ये यहाँ पे मूर्ति है, पिंडी है, ये किसी को मालूम नहीं है। यहाँ पे हमें इन लोगों से बातचीत में ये पता चला कि इनकी उम्र लगभग 70-75 साल के ऊपर है, लेकिन लोगों को भी नहीं मालूम यहाँ पे इनकी ये मूर्ति या ये पिंडी है कब से है। यह जासा बाबा का स्वरूप। दोस्तों, जासा बाबा के विषय में बहुत सी कहानियाँ और बताई गई हैं, जिसके बारे में हम आपको एक कहानी बताते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ पर व्यापारियों का एक समूह यहाँ से गुजर रहा था और रात का समय था। तो यहीं पर जासा बाबा रास्ते में उन व्यापारियों से मिले और उनसे पूछा, क्या लेकर जा रहे हो बैलगाड़ी में रखकर? तो उन व्यापारियों ने कहा कि बाबा, इसमें सिर्फ घास फूस और कबाड़ रखा है, बस। जो व्यापारी थे, उनको उनके शक्ति बारे में पता नहीं था। तो बाबा जी ने कहा, झूठ नहीं बोल रहे हो ना? तो व्यापारियों ने कहा, नहीं बाबा। तो बाबा जी ने कहा, ठीक है, जाओ। और वो लोग व्यापारी वहाँ से चले गए। और सुबह क्या हुआ, जब व्यापारी अपना अपना थैली जो बैलगाड़ी पर रखे थे खोले, तो जितने उसमें सोने चांदी और भी कीमती सामान थे, वो सच में घास फूस और कबाड़ के बन गए थे। तो काफ़ी हैरान हो गए, अरे ये क्या हो गया, मतलब जो बाबा ने कहा वो सत्य हो गया, उनसे हमने झूठ बोला है। तो तुरंत सुबह यहाँ आए और बाबा जी का
जो यहाँ पर एक पिंडी रखा हुआ था उसे अपने साथ उठा ले गए और उनकी पूजा पाठ करने लगे। तो यहाँ के गांव वाले काफ़ी परेशान हुए कि अरे बाबा जी की पिंडी यहाँ से कहाँ चली गई। कहा यह भी जाता है कि गांव के किसी व्यक्ति के स्वप्ने में बाबा जी ने कहा कि हमारी यहाँ पर नए पिंडी का स्थापना कर दो और मैं हर मंगलवार को यहाँ पर रहूँगा, तो इसलिए यहाँ पर हर मंगलवार को मेला लगता है, यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये एक कहानी है जो हमने आपको बताया। तो दोस्तों यह है मंदिर के पीछे एक प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पे बच्चे लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे अनेक अधूरे कार्य हैं, अगर यहाँ का प्रशासन प्रधान या ध्यान दे तो यहाँ पे यहाँ की सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये मंदिर काफ़ी ऐतिहासिक है, प्राचीन है, यहाँ के बारे में लोग बताते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और इस स्थान के बारे में लोगों को ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों रिश्तेदारों तक इस स्थान के बारे में ज़रूर बताएं। यह काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है, तो जाते जाते हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जासा बाबा, जय माता दी।